तो ये सई नदी आके गोमती में मिलती है और गोमती से होते हुए ये आगे जाके ओके गाइस, तो आप लोगों को इस जगह के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। तो ये जगह जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्राचीन जगह है, इसका जो है जिक्र रामचरितमानस में भी किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि रामायण में क्या लिखा गया है, सई उतरे गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। तो ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आप लोगों को। जब राम भगवान को वनवास हुआ था 14 साल का, तब भरत जी उन्हें मनाने के लिए गए थे, बट राम भगवान वापस आने से इनकार कर दिए। तो भरत जी उनका जो पैर का चप्पल मतलब खड़ाऊ बोलते हैं उनको लेकर वापस लौटे थे, तो वहाँ स्नान किए थे, इसलिए ये जगह को ऐसा सही उतरे गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज़ राइड विद किक। सो भाई, आज के दिन पे ये दूसरा व्लॉग शूट हो रहा है मेरा, तो ये जगह देख के आपको थोड़ा समझ गया होगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था पुराने चैनल पे, बट वो चैनल डिलीट हो चुका है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो जगह है तो ये है संगम। तो आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा यहाँ के बारे में, तो ये जो सामने से नदी आ रही है, जैसे आप लोगों को दिखा दूँ, ये सामने की तरफ से नदी आ रही है, ये सई नदी है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो इस तरफ से सामने से नदी आ रही है ये गोमती नदी है, और ये गोमती नदी में सई नदी आके मिल रही है, और ये गोमती नदी से होते हुए आगे की तरफ गंगा में चलने जाने वाली है। और ये जो स्पॉट है सई नदी और गोमती नदी को, तो ये स्पॉट जहाँ पे मिल रहा है इसको हम लोग सई गोमती का संगम कहते हैं। और यहाँ पे भाई बहुत बड़ा मेला लगता है, मतलब कि इसका भी सीज़न आता है वो टाइम पे बहुत मेला वेला लगता है। और आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि इस तरफ में अगर आप लोग को ये सामने दिख रहा है, ये जो झाड़ियाँ है इसके पीछे आपको बॉर्डरिंग वगैरह दिख रहा है, ये रामेश्वरम मंदिर है। तो अभी हम लोग आगे चलने वाले हैं, एक बार मंदिर के अंदर भी जाने वाले। और एक बात आप लोगों को और बताता हूँ कि ये नदी में मतलब ऐसा है ना भाई कि अभी पानी कम है, इसलिए हम लोग यहाँ नीचे मतलब ऐसा बोल सकते हो नीचे आके खड़ा हो, वरना यहाँ नीचे आने में डर लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप है। मतलब ये भी काफ़ी डीप है कि एक इंसान आराम से डूब जाएगा, और समझ ही सकते हो भाई। तो अभी चलते हैं, अभी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, मंदिर को भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और एक्चुअली मैं ये सब वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे गाँव का मतलब ऐसा बोल सकते हैं यार बचपन बीती है मेरी, तो वो हिसाब से आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था। तो इसलिए सुबह में मैंने जो व्लॉग किया वो त्रिलोचन महादेव पे था, और अभी जो व्लॉग कर रहा हूँ ये रामेश्वरम मंदिर पे है। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी। और आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों ने नदिया के पार पिक्चर नहीं देखा है तो यार भाई देख लो, आपको समझ जाएगा ये जगह, क्योंकि नदिया के पार का जो पिक्चर है उसकी भी शूटिंग यहाँ पर ही हुई है। भाई तो आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये भगवती माता का मंदिर है, और यहाँ पर बनियान ट्री है। और इसकी एक खासियत मैं आपको बताता हूँ भाई, आपको ना समझ में नहीं आएगा कि ये इसका एग्जैक्टली कौन सा पेड़ का जड़ है, क्योंकि भाई नहीं समझ में आएगा, ये पूरा जॉइंट रहता है एक दूसरे में। तो इसीलिए इसके नीचे मतलब कि बहुत ज़्यादा छाया मिलती है और बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर बनियान ट्री है और यहाँ पर पीपल का भी पेड़ है, तो भाई बच्चे यहाँ पे खेल रहे थोड़ा, बाकी सब मस्त है। तो अभी थोड़ा फोटो शूट करते हैं, फोटो देखना तो पता है क्या करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फोटो देखो, मज़े करो। तो भाई चलते हैं अभी मेन मंदिर में, रामेश्वरम मंदिर में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या है, बाकी सब बढ़िया। तो भाई जैसे देख सकते हो ये रामेश्वरम मंदिर का एंट्रेंस है, तो अभी हम लोग भी अंदर चलते हैं। तो शूज़ बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो बहुत सारे छोटे 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 मंदिर बने हुए हैं, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा पेड़ है जिसकी छाव मतलब यहाँ पे पूरे मंदिर के पास में है। आप लोग देख सकते हो भाई ये रामेश्वरम मंदिर है, ये मेन मंदिर है आपका, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, एकदम शांति है। और यहाँ पे लॉकडाउन के वजह से एक्चुअली यहाँ कोई आता जाता है नहीं, इसलिए ये पूरा ऐसा थोड़ा पेड़ के गिरे हुए फल है और पत्ते हैं नीचे ज़मीन पर। तो
अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैं उस तरफ से नदी के उस तरफ से व्लॉगिंग कर रहा था, तो वो जगह भी दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ पे था, तो आप लोग को दिखाता हूँ। तो वो बोटिंग वगैरह दिख रहा है, इसके पहले मैं वहाँ पे था उस तरफ में, वहाँ पे, और अभी इस तरफ में आ गया हूँ। तो ये रहा मंदिर। तो यहाँ पे आप मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। ये मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे जो है सावन के महीने में काफ़ी लोगों का जनसैलाब उठता है, बाहर से भी लोग काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा जो है मंदिर में जो है रौनक होती है, बहुत अच्छा जो है लगता है। बहुत काफ़ी दिव्य मंदिर है, बहुत बड़ा परिसर है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये रामेश्वरम का जो मेन मंदिर है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रुद्राष्टकम, और यहाँ पे शायद ये पूरा लिखा हुआ है डिटेल्स। और ये मंदिर का एंट्रेंस है रामेश्वरम मंदिर का, मेन मंदिर का। और यहाँ पे अंदर जाने से पहले, जो कि बहुत ज़रूरी है भाई, हर मंदिर में जाके बजाना चाहिए। और अभी चलता हूँ अंदर, आप लोगों को दिखाता हूँ ये मंदिर का। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, आप लोग अगर यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे शिवलिंग है यहाँ नीचे की तरफ में। मतलब आप जैसे कि देख सकते हो, जमीन से नीचे की तरफ में शिवलिंग है, और यहाँ पर अपने हनुमान जी, इनका मूर्ति है। और अंदर की तरफ में यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिखा दूँ कि त्रिशूल भी रखा हुआ है। और ये मंदिर के अंदर का है, जो मंदिर के अंदर की तरफ ऐसा दिख रहा है। तो भाई जाने से पहले यहाँ पे भी छोटी सी घंटी बजा लेते। तो जैसे कि ये मंदिर देख लिया आप लोगों ने, तो ये मेन मंदिर है अपना रामेश्वरम का। बाकी सब आसपास में यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, छोटे छोटे हर भगवान के छोटे छोटे मंदिर है, जो कि ये बहुत प्यारी जगह है। इस वक्त थोड़ा सा डस्ट है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे लॉकडाउन के लिए वजह से कोई यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो नहीं रहा है, पूरा लॉक था। बट कैसा, गाँव वाले लोग के लिए अलाउड है, जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया वीडियो बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी करेंगे फोटोशूट। और फोटो देखने हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे मैं नहीं दिखा पाया आप लोगों को, क्योंकि मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग कभी यूपी साइड आते हो तो भाई यहाँ विज़िट करो, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ से आप लोगों को दिखा दूँ कि सनसेट हो रहा है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और वो सनसेट का जो लाइट है, ऑरेंज ऑरेंज पूरे बॉडी पर पड़ रहा है, और ये मंदिर पे पड़ रहा है, तो ये कितना सुंदर लग रहा है। मतलब जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सर उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो फिर चलते हैं, ऐसे ही मिलेंगे आपको अच्छे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। राम राम, बाय बाय।